नमस्कार, स्वागत है आपका वीएमआर भारत टीवी में और मैं हूं हनी आपके साथ। पेट्रोल की कीमतें सेंटर की तरफ से कम हो चुकी है। पेट्रोल पर 5 रुपये कम हो चुके हैं और डीजल पर भी कमी आ चुकी है 10 रुपये की। लेकिन उसी बीच राजस्थान सरकार है जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। हमारे जो CM साहब हैं उनका कहना है कि अगर वैट में कमी हो जाती है तो उसके बाद राज्य सरकार को 2800 करोड़ रुपए का राजस्व है जो वो कम हो जाएगा, राजस्व में कमी हो जाएगी। लेकिन उसी बीच जो जनता है वो किस हद तक परेशान हो रही है पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से, उसके बारे में आज एक पब्लिक ओपिनियन इंटरव्यू हम लेंगे। हम पेट्रोल पंप पर आ चुके हैं, हम आपको बताएंगे कि पब्लिक का क्या कहना है, कि क्या चाहती है पब्लिक। केंद्र सरकार की जो पेट्रोल और डीजल को लेकर लड़ाई है उस बीच जो घाटा हो रहा है वो जनता का हो रहा है, किस तरीके का घाटा हो रहा है, पब्लिक इस पर क्या सोचती है, क्या पब्लिक चाहती है कि पेट्रोल के प्राइसेस ऐसे ही रहे या क्या चाहती है पब्लिक कि पेट्रोल के प्राइसेस कम हो जाए। चलिए आपको बताते, आइए। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये कम करने का जो प्रावधान किया है, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने केंद्र सरकार के डिसीज़न को मान लिया है, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जिन्होंने केंद्र सरकार का जो डिसीज़न है ये पेट्रोल और डीजल को लेकर उसको मानने से एकदम मना कर दिया है। स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि केंद्र को एक्साइज ड्यूटी में और कमी करनी चाहिए। तो आइए इस पर हम बात करते हैं और पब्लिक से बात करते हैं, पब्लिक की ओपिनियन जानने की पूरी कोशिश करते हैं। सर नमस्ते, आपका नाम? मैं पंकज सक्सेना। सर आपका क्या कहना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो लड़ाई चल रही है एक्साइज ड्यूटी को लेकर और वैल्यू एडेड टैक्स को कम करने से लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या राजस्थान सरकार को वैट में कमी करनी चाहिए या केंद्र सरकार और इनके बारे में जो लड़ाई हो रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम ऐसा है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेट कम कर दिया, अब राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि हम इसमें रेट कम नहीं कर सकते, हमको ऑलरेडी रेट कम करने में घाटा हो गया है। अब ये घाटा पब्लिक को डायरेक्ट हो रहा है, देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट किसके भले के लिए सोच रही है, वो अपने भले के लिए सोच रही है या पब्लिक के भले के लिए सोच रही है? उसको घाटा नहीं होगा कभी भी, घाटा पब्लिक को होता है डायरेक्ट। तो इसलिए सबसे पहले इनको जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेट कम करी है उसके कंपैरिजन में इनको भी कम करना चाहिए। भी इन्होंने भी तो फ़ायदा कमाया ही है उसके अंदर, जब रेट 70 रुपये था आज 110 रुपये चल रहा है रेट, तो इनको कहाँ घाटा हो रहा है? ये तो ऑलरेडी इस पर पैसा कमा रहे हैं और इनको ऑब्वियसली करना चाहिए ताकि पब्लिक को इनके साथ में खड़े होना पड़ेगा कि साहब ये पब्लिक रेट कम करने का इनका साथ देगी। फिर ऐसे तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट अलग भगेगी, स्टेट गवर्नमेंट अलग भगेगी। जब इतने स्टेट्स ने साथ दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो स्टेट्स का फ़र्ज़ बनता है कि उसका फॉलो करे सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि अलग थोड़ी है, कोई पाकिस्तान अफगानिस्तान थोड़ी है कोई, ये तो आप उनको फॉलो करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और उनके रेट्स को आप उनसे फ़ायदा लेते हैं, तो इसलिए आपको ऑब्वियसली कम करना ही पड़ेगा। ये है इसका मेन मुद्दा। राजस्थान में जो रेट्स को कम करने की बजाय राजस्थान के जो CM है अशोक गहलोत जी का एक बयान सामने आया, उल्टा उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट पर ही इल्ज़ाम लगाया कि उनको वैट में जो उन्होंने कमी की है वो तो ठीक है, उनको और कमी करनी चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो कमी जो सेंटर ने हमें गिफ्ट प्रोवाइड किया है, सब लोगों का कहना है कि दिवाली का गिफ्ट है, उसी में खुश होना चाहिए या उल्टा उन पर इल्ज़ाम लगाना चाहिए ताकि जो फ़ायदा हमें मिल रहा है हम उस फायदे से भी चले जाएंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम ऐसा है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको GST में ले जाने के लिए तैयार हो गई तो स्टेट गवर्नमेंट पीछे हट गई। क्यों हट गई? क्यों वो साथ ही नहीं देती कभी सेंट्रल गवर्नमेंट का? वो बोले हम तो वैट ही देंगे साहब, जबकि देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार थी, उन्होंने कहा आप आ जाइए हम GST में ले जाते हैं इसको, पब्लिक को डायरेक्ट फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन किसी सूरत में इन्होंने बिल्कुल साथ नहीं दिया सेंट्रल गवर्नमेंट का और यही कहा हम नहीं साहब हम तो GST में ले आने के लिए तैयार नहीं है, बैकफुट पे चले गए सारी स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल क्या करेगी इसके अंदर? इनको साथ देना चाहिए, बल्कि इनको रेट कम करने चाहिए, साथ देना चाहिए। ये कोई अलग अलग कंट्री थोड़ी है, ये तो पूरा एक मुल्क है जिसके अंदर सपोर्ट करके पब्लिक को फ़ायदा देने के लिए गवर्नमेंट बनती हैं, इसमें क्या दिक्कत आ गई? आप दूसरी जगह से भी तो टैक्स में कमा रहे हैं इतना पैसा, हर एक जगह पैसा कमा रहे हैं आप, तो खाली पेट्रोल को लेकर इशू बनाना सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफेम करने के लिए ये कोई मुद्दा नहीं है, इसका पब्लिक कतई साथ नहीं दे सकती इस चीज़ का। तो सर हर चीज़ को लेकर राजनीति होती है, हर चीज़ को लेकर, और पेट्रोल पर भी अब राजनीति होने लग गई, और पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो मतलब जितनी भी लोग हैं लगभग बहुत सारे लोग, मतलब एक साधारण से साधारण इंसान भी पेट्रोल का यूज़ तो करता है, इस पर इनकी राजनीति का उन पर क्या असर आ सकता है? देखिए ऐसा है,
आप समझ नहीं रही हैं इसके पीछे मेन मुद्दा क्या चल रहा है। अगर रेट कम नहीं करेंगे महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की टांग खींचेंगे। आप रेट कम करिए, पेट्रोल का रेट कम करिए, आपके फेयर्स कम होंगे, ट्रांसपोर्टेशन का रेट कम होगा, उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी। अब आप मुद्दा ये बना लो साहब महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसलिए डिफेम करो कि साहब आप रेट कम करो ना, महंगाई क्यों नहीं कम होगी, बल्कि आप इस तरीके से तो महंगाई आप भी बढ़ा रहे हो, आप भी महंगाई में साथ दे रहे हो बढ़ाने के अंदर। आप कहाँ गलत हो, आप भी गलत हो, इसमें क्या दिक्कत आ गई। आप सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ दो, आप महंगाई कम करने में साथ दो। पेट्रोल का रेट कम होगा तो ऑब्वियसली सब जगह रेट कम होगा, फेयर में कम होगा, ट्रांसपोर्ट कम होगा, हर एक चीज़ में कम होगा। आप सिलेंडर का रेट बढ़ गया, अरे सिलेंडर आता है किस में रख के है, वो तो पेट्रोल डीजल पे रख के आता है ना, उसका भी रेट बढ़ रहा है, हर जगह रेट बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए अब दालों का रेट बढ़ रहा है, अब आगे आगे हर एक चीज़ का रेट बढ़ेगा। आप बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा दिया, अरे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया, आप बढ़ा रही हो इनडायरेक्ट वे में। आप करो, आप GST में क्यों नहीं लिखे गए इसको, आपने बिल्कुल बिल्कुल साथ नहीं दिया सेंट्रल गवर्नमेंट का, सारे स्टेट बैकफुट पर चली गई GST में जाने के नाम पे। अब महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, मुद्दा ये कोई ये मुद्दा आप बना रहे हैं, मुद्दा मुद्दा है ही नहीं कोई इस टाइप का। आप एक कंट्री हैं, एक यूनिट हैं, एक हाथ की पाँच उंगलियाँ हैं, आप पाँच उंगलियाँ वर्क करती हैं, वैसे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करती है, आप साथ नहीं भाई, ये देखें कंट्री में क्या चीज़ कम नहीं होगी, सब चीज़ बिल्कुल रस्ते रस्ते चलेगी। आपने राजनीति बना ली है, सेंट्रल गवर्नमेंट को नीचे करना है, ये करना है, ये इस तरीके से कंट्री के अंदर आप अलगाववाद की नीति पे चल रहे हैं आप लोग। आप इसलिए इसका रेट कम होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आप ये आपका कौन से चैनल पे आता है ये आपका नाम? चतुर्भुज। पेट्रोल प्राइजेस जो सेंटर ने तो कम कर दिए हैं, लेकिन स्टेट ने अपने राजस्थान ने कम नहीं किए हैं। यूपी ने 12 रुपए कम कर दिया है और राहत जनता को मिल रही है वहाँ पे, लेकिन हमारे राजस्थान में राजस्थान की जो गवर्नमेंट है वो पेट्रोल के प्राइजेस कम नहीं कर रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या राजस्थान गवर्नमेंट को केंद्र की बात मान लेनी चाहिए या जो लड़ाई चल रही है वो आगे उनको चलाते रहनी चाहिए? नहीं, मान लेनी चाहिए, हमारा तो यही विचार है कि भाई मान लेनी चाहिए। और अंकल ये जो मतलब पेट्रोल प्राइसेस कम नहीं हो रहे, काफ़ी दिनों से बढ़ते ही जा रहे हैं, आप पर भी काफ़ी इफेक्ट आ रहा होगा, किस टाइप के इफेक्ट्स आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ों में आपने कुछ कमी की है, या कितना ज़्यादा पेट्रोल आपको पहले और आज के कंपैरिजन में डलवाना पड़ रहा है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? वो तो होता ही है, हमें तो रूटीन में चलना ही पड़ता है। क्या क्या काम करते हैं आप? हम तो इधर शहर में ही आते रहते, काम वाम तो कुछ नहीं, रिटायर हो गए, लेकिन जाना आना तो पड़ता ही है अपने। क्या इफेक्ट आ रहा है? इफेक्ट तो ये है ही है, जो प्राइस इंक्रीज हुई है उनका तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। किस टाइप का इफेक्ट पड़ रहा है, क्या आपने कहीं आने जाने में कोई कमी की है? नहीं, कमी तो नहीं कर रहे हैं चल, लेकिन अब वो जेब से तो लग ही रहे हैं। एवरेज कितने का पेट्रोल डलवा देते पहले आप? वो करीब 4-5 लीटर महीने के जो है खर्च हो जाते हैं। मतलब अभी एक्सपेंडिचर आपका पेट्रोल की वजह से बढ़ रहा है कि नहीं? हाँ, बढ़ तो रहा है। तो केंद्र और सरकार की पेट्रोल प्राइसेस को लेकर एक लड़ाई चल रही है, आप इसके बारे में जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं इसके बारे में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजलों की जो कीमत एकदम से जो उछाल आ रहा है, उस पर आम जनता पे जो बर्डन पड़ता जा रहा है ना, वो बहुत ही एक अननेसेसरी बर्डन है। और केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है वो किसी भी तरह से आम जनता की इस सुनवाई को इग्नोर करती जा रही है। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में चाहें तो इस पेट्रोल की और डीजल की कीमतों को काफ़ी कम कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग राज्यों में अगर इनकी जो कीमत है अगर उस पर टैक्स अगर कम कर दें तो काफ़ी तरह से जो आम आदमी को राहत मिल सकती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ 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 की राज्य सरकारें दे रही हैं, अदरवाइज़ कोई भी स्टेट में ले लीजिए, कहीं पे भी किसी भी तरह से गवर्नमेंट किसी भी तरह से आम आदमी के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही है। और ये एक बहुत बड़ा इशू है, पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं उससे महंगाई जो बढ़ रही है वो आम जनता के ऊपर एक पत्थर की तरह भार है, आम जनता की जो जेब पे एक बहुत बड़ा अटैक है। जहाँ आम आदमी की मंथली इनकम है वो एकदम सेम है, बट जो उसके ऊपर ये अननेसेसरीज का जो बजट बर्डन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की जैसे कीमतें बढ़ती हैं, सबसे ज़्यादा उसका इफेक्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन पे। ट्रांसपोर्टेशन के बढ़ने से हर चीज़ की कीमतों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो रही है, और जिससे आम आदमी की जो जेब खर्च का बजट है वो एकदम ही बढ़ता जा रहा है। इस पे ये बहुत बड़ा एक विचारणीय बिंदु है जिस पे विचार करना ज़रूरी है, और ये सब राज्य सरकार या केंद्र सरकार मिलकर अगर इस पे निर्णय लें तो ही आम आदमी को राहत मिलेगी। सर एक छोटा सा सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगी,
कि केंद्र अपनी जो राज्य सरकार है उसका कहना है कि केंद्र सरकार को जो एक्साइज ड्यूटी है वो और ज़्यादा कम करनी चाहिए, क्या एक यही रीज़न है कि राजस्थान में जो पेट्रोल का वैल्यू एडेड टैक्स है वो कम नहीं किया जा रहा है, या इसके पीछे कोई और कारण हो सकता है, या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण हो सकता है, या कोई आर्थिक कारण हो सकता है, इसके लिए आपका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है? देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये दोनों इस पेट्रोल की और डीजल की कीमतों लोग के अपना अपना एक इशू बना रखा है। अगर राजस्थान सरकार अगर चाहे तो वो अगर इम्पोर्ट ड्यूटी अगर ये कम करती है, अगर टैक्स पे कम करती है, तो राजस्थान में भी जो अभी पेट्रोल की कीमतें और जो राज्य हैं उनसे बहुत अधिक है तो वो कम हो सकती है। जैसे केंद्र सरकार ने अभी लुभावने के लिए 5 रुपये पेट्रोल पे और 10 रुपये डीजल पे कम किए हैं, अगर यही सोचकर राज्य सरकार अपनी राजस्थान राज्य सरकार अगर टैक्स कम करती है तो और भी मेरे हिसाब से 5-7 रुपये पेट्रोल और कुछ पैसा डीजल पे भी कम हो जाना चाहिए। तो काफ़ी अगर हर कोई राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से कीमतें कम करेंगी तो आम आदमी के जो जेब पे बहुत इसका बहुत फर्क पड़ेगा। राज्य सरकार का एक कहना है, उनका एक बयान आया है हमारे सीएम जी का, उन्होंने कहा है कि अगर वैल्यू एडेड टैक्स अगर कम कर देती है, अगर केंद्र की इस बात मान लेती है राजस्थान सरकार, तो राज्य को 2800 करोड़ रुपए का घाटा होगा, राजस्व में कमी आएगी। तो इसके पीछे आप किसकी गलती मानते हैं? केंद्र राज्य सरकार के राजस्व में जो कमी आ रही है और उसका बर्डन जनता पे पड़ रहा है, वो आप उसके पीछे क्या जानना कहना चाहेंगे? देखिए, अगर सरकार अपने अपने हिसाब से काम कर रही है तो इसमें घाटे की तो कुछ नहीं है, कि पेट्रोल की कीमतें जहाँ पहले थी उससे 1.5 गुना ज़्यादा कीमतें अब हो गई है। आज से अगर 7-8 साल पहले अगर हम लोग तुलना करते हैं तो पेट्रोल की कीमतें 60 रुपये 70 रुपये लीटर हुआ करती थी, जो आज की तारीख में 100 का भी आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है। तो पहले भी तो कोई गवर्नमेंट को इस चीज़ का लॉस नहीं होता था, तो अब ये लॉस का फिर नया इशू कहाँ से आ गया? लॉस का जो इशू है वो कहाँ से आ गया? पहले भी तो सरकार अपने हिसाब से काम चला रही थी ना, जो तो ये इशू नहीं है। हर सरकार अपने अपने हिसाब से काम कर रही है, राज्य सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, केंद्र सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। जो पेट्रोल का इशू की जो कीमतें हैं वो हर स्टेट में अपने अपने हिसाब से सरकारें तय करती हैं। तो इसमें अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सरकार को इस पे बहुत विचारणीय बिंदु है कि वो कुछ टैक्स की कीमतों को कम करें, तो जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें करें। ये एक केवल इशू है कि हमको घाटा होगा, ऐसा कुछ घाटा नहीं है, राज्य सरकार को कोई घाटा नहीं है। जरूर है कि राजस्व आय में थोड़ी सी कमी होती है, पर इतना जो अधिक भार है जनता के ऊपर वो तो एक बार के लिए कम होना चाहिए ना, क्योंकि अभी मार्केट कोरोना की जो स्थिति से उभर के अब मार्केट थोड़ा सा फॉलोअप हुआ है, तो वो एक विचारणीय बिंदु है कि कोरोना के जो 2 साल से कोरोना महामारी से जो हमारा राज्य जूझ रहा था, देश पूरा ही जूझ रहा था, तो वहाँ से उठकर जब एक आम आदमी अपने अपने लेवल पर गाड़ी को लाया है और उसके साथ साथ फिर इतनी अगर क्या है पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने से कितना बड़ा वापस मार्केट एक बार फिर पटरी से उतर जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा गवर्नमेंट इस चीज़ पे नज़र डाले कि मार्केट में अभी फॉलोअप है, धीरे धीरे लोग अपनी जीवन को पटरी पे ला रहे हैं, तो थोड़ा सा राज्य सरकार को भी इस तरफ देखना चाहिए और अपने स्तर पर जो भी है ड्यूटी को कम करके और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जैसे केंद्र सरकार ने काम किया है उस हिसाब से थोड़ा सा राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। Thank you.